दुबई से बेटा बहू आने वाले हैं, कुछ प्लान है पिकनिक वगैरह? कुछ कोई अच्छा सा फार्म हाउस लेंगे, शानदार पिकनिक मनाएंगे। डैडी एक बेहतरीन फार्म हाउस है मेरी नजर में, रॉयल हेरिटेज। रॉयल हेरिटेज और अपने घर से ज्यादा दूर भी नहीं है, मोइनाबाद पे है फार्म हाउस। जी डैडी कोई फार्म हाउस नहीं चलूंगा मैं, चलूंगा तो एक ही फार्म हाउस जिसका नाम दुबई में मशहूर है, वो रॉयल हेरिटेज। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम, आरएच 9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। आरबीआई बैंक के सामने एजेंटों के साथ मिलकर किया जा रहा है खुलेआम धंधा। नाजरीन आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये हैदराबाद के आरबीआई बैंक के पास की है, जहां 10, 20 और 50 के नोटों के बंडलों पर एक्स्ट्रा की रकम दी जा रही है। ये बैंक के पास चंद अफराद 1010 के नोटों के बंडल पर 350 के बड़के की रकम, 1020 के नोटों पर 300 और 1050 के नोटों के बंडल पर 300 रुपए, वहीं 2010 के नोटों के बंडल पर 700 रुपए के बढ़के कीमत लगाकर लूट मार मची है। बैंक के सामने ये धंधा खुलेआम चल रहा है, पर बैंक इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। आवाम को ज्यादा कीमतों पर नोटों की फरोख की जा रही है। इन सब के पास ये नोटों के बंडल बैंक से ही तो आते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आरबीआई बैंक मुलाजिम इन धंधेबाजों से मिले हुए हैं? कारोबारियां जिसे 10, 20 और 50 के नोटों की सख्त जरूरत होती है, वो इनसे बढ़के रकम देकर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। रोजमर्रा के ये धंधे खुलेआम किए जा रहे हैं, अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मालूम हो रहा है कि आरबीआई बैंक मुलाजमीन इन एजेंटों का साथ देते हुए नोटों को बेच रहे हैं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने एजेंट इस सड़क पर अपना धंधा खुलेआम चला रहे हैं, जो कि इलीगल है। क्या पुलिस भी इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं और इन धंधे वालों का साथ दे रहे हैं? आरबीआई बैंक मुलाजमीन जब इन धंधे वालों के साथ मिलकर अवाम को लूट रहे हैं, तो क्या पुलिस इस पर एक्शन नहीं ले सकते? जबकि इन धंधे वाले छुपकर गलियों में दही कर रहे हैं। ये धंधा खुलेआम जरूरतमंदों से इनकी जरूरत का फायदा उठाते हुए 300 से लेकर 350 की रकम लूटी जा रही है। इस इलाके में ये लोग बिना डरे ये गैर कानूनी काम को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। इस वीडियो के जारी होने के बाद शायद आरबीआई बैंक और पुलिस इन पर एक्शन लेगी। हमारा मकसद इस वीडियो को दिखाने का बस यही है कि एक तरफ गरीब कारोबारियों को लूटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस और बैंक मुलाजमीन इस गैर कानूनी कारोबार पर खामोश है और ये खुलेआम बिना डरे के अपना गैर कानूनी धंधा चला रहे हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो ऐसे ही अहम और खास खबरों ना। न्यूज सेक्शन होने का है 10 रुपए का, 350 रुपए, 350 रुपए इसका 50 का लेना, 200 में आता 5000 आता 200 में। ₹350, ₹200 नहीं लगा सकते। न्यू सेक्शन 10 रुपीज, 200 पहले ₹10 ही कावाल ఎంత 200 తీసుకో ₹10 का होना है न्यू सेक्शन, 200 रुपये तक नहीं होगा। पुराने क्या करने का जी, न्यू की बात कर रहे हैं, यूज करने के लिए होना, क्या के लिए? 20 का आ गया हमारे पास, बैंक से ले लिया मैं, उसने पूछ रहा मैं इसका लगा दो या था। सर अपने आप
अपनी चॉइस है ना भैया, वो लगाना नहीं लगाना वो अपनी अपनी चॉइस है। दस का है नोट, दस रुपए का नोट होना है, 200 रुपए ना, 10 रुपीज का होना है, मिलता है। टेन रुपीज है ना, कितने का लाना दोनों रुपये लेते हैं दादा। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।